अच्छा, एक छोटी सी क्लैरिटी कर लेता हूं यहां। इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर गोइंग डीपर। ओके, आर यू रेडी? देखो, हर जीव अपनी अपनी स्थिति पर इवॉल्व कर रहा है। एवोल्यूशन में हर जीव की जो अपनी अपनी स्थिति है, वो अपनी अपनी स्थिति के मुताबिक जीवन का अनुभव कर रहे हैं। क्लियर? उसमें कहीं कोई रॉन्ग, कहीं कोई राइट है क्या? भाई हर एक की अलग अलग स्थिति है। अच्छा, जब कोई गहरा सत्य खोला जाए और जिनकी बुद्धि, जिनका इंटेलिजेंस उतना ज्यादा अभी तक परिपक्व नहीं हुआ वो गहरा सत्य समझने के लिए, तो उनको वो बात स्पर्श नहीं करती अपने दिल में। वो जो ज्ञान चर्चा के द्वारा जो बुलसाय लगता है ना, वो बुलसाय नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे टेंजेंट पे ही निकल गया बाहर का बाहर ऊपर से। यस नाउ यहां पर मैं देख रहा हूं कितना रेंज है। देखो, कोई जीव अध्यात्म में बहुत सालों से परिपक्व होते होते होते, तैयार होते होते ब्रह्म ज्ञान के एकदम दरवाजे पे जाके खड़े हैं, ऐसे कुछ लोगों को देख रहा हूं मैं यहां। कुछ लोगों ने अभी अभी शुरुआत की होगी अध्यात्म में, तो उनको वो ऊपर ऊपर के खेलों में रस आएगा, थोड़ी गहरी बात हो तो उनके चेहरे ऐसे हो जाते हैं, गलती क्या है उसमें? माय पॉइंट इज, तुम्हें जो ज्ञान तुम्हारे जीवन के लिए लागू पड़ने वाला लगे, वो तुम्हारी स्थिति के मुताबिक तुम्हारा ज्ञान है। क्लियर है एवरीबॉडी? अगर कोई चीज तुम्हें लगे कि यार तो टप्पी नहीं पड़ी, ऊपर से चला गया, तो समझ लेना ऋषि जी किसी और के लिए बोल रहे हैं। एवरीबॉडी ओके विद दैट? तो क्या है, मैं भी थोड़ा सा खुल के बोल सकूं। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता था, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा माइल्ड हो गया हूं, आई होप। पहले मैं कहता था वो वाले है ना, हाँ, उनको मैं घोंसले कहता था। चिड़िया आके घोंसला बना के चली जाएगी तो पता नहीं लगा। और वो जो ग्रहण करने वाले लोग हर चीज को, मैं उसको स्पॉन्ज कहता था। घोंसले, स्पॉन्जेस, और कुछ लोग बीच वाले, कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ लोग कुछ त्याग देते हैं, तो उनको मैं कहता था घोंजिस। घोंसले, स्पॉन्जेस, घोंजिस। अब नहीं कहता। अच्छा, नाउ आर यू रेडी? बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्व अध्याय करेंगे आज। सबसे पहले ये बाहर की दुनिया, व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या परिस्थितियां हो, ये तुम्हारे अंदर जो अलग अलग भाव जगाते हैं, उन भावों को अगर तुम गौर से देखते रहो तो तुम्हें कई सारे भाव बहुत रिपीटेटिवली जगते हुए दिखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, उन भावों की तुम्हारे मन को ऑलरेडी आदत पड़ी हुई है। अरे लिस्निंग? और बाहर की दुनिया, व्यक्ति हो, वस्तुएं हो या परिस्थितियां हो,
तुम्हारी ऑलरेडी पड़ी हुई आदतों के बटन्स सिर्फ दबाने का कार्य कर रहे हैं। तुम्हारा बटन दबता है और तुम्हारा वो भाव ट्रिगर हो जाता है, तुम वैसा अनुभव करने लगते हो। आर यू लिस्निंग माय डियर? माय पॉइंट इज, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे अंदर जो आदतें ट्रिगर हो रही हैं, उन आदतों को समझना, अपनी टेंडेंसीज को पहचानना, ये स्वाध्याय का एक अंग है। क्लियर? एकदम क्लियर? Yes. दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग अंग है, तुम्हारे जीवन की अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में तुम्हारे मन में कुछ विचार, कुछ इमोशंस, कुछ लाइक, कुछ डिसलाइक, मैं उन सबको मिला के एक वर्ड कहता हूं, कुछ कन्वर्सेशंस होंगे तुम्हारे मन में, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। मैं तो कहता हूं, थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं बात करूं, गुरुजी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पैसे के बारे में, सेक्स के बारे में, संबंधों के बारे में, एक 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 व्यक्ति के बारे में, तुम्हारे मन में जो कन्वर्सेशंस हैं, तुम गौर से देखो, तुम्हारा अनुभव उन कन्वर्सेशंस से बन रहा है। आई लाइक दिस वर्ड कन्वर्सेशंस। वो कन्वर्सेशन यानी वो वार्तालाप नहीं कह रहा हूं मैं, बातें नहीं कह रहा हूं, कन्वर्सेशंस में यू नो, वो जैसे सपोज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सपोज एसएमएसेस कर रहा है, तो बहुत सारे एसएमएसेस से वो कन्वर्सेशन बनता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वैसे ही अंदर तुम्हारे सपोज स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या विचार हैं तुम्हारे, क्या इमोशन है उसके साथ जुड़ा हुआ, क्या बिलीव्स हैं तुम्हारे, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कुछ ईगो का फ्लेवर जुड़ा हुआ होगा उसके साथ। इट मीन्स समथिंग टू यू, तुम्हारा क्या मीनिंग है उस बारे में। उन सबको मिला के मैं एक वर्ड कह रहा हूं, कन्वर्सेशन। आई एम सेइंग स्व अध्याय का दूसरा सेक्शन, व्हाट इज योर कन्वर्सेशन अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ। बिकमिंग अवेयर अबाउट दैट इज अनदर पार्ट ऑफ स्वाध्याय। व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे अंदर कौन सी टेंडेंसी ट्रिगर हो रही है, यह पहला स्वाध्याय का अंग है। वैसे ही दूसरा अंग स्वाध्याय का, मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति के बारे में जो कन्वर्सेशंस जागृत हो रहे हैं तुम्हारे अंदर, उनको भी पहचानना, यह स्वाध्याय का दूसरा अंग है। अच्छा, इन कन्वर्सेशंस को अगर आप गौर से देखो, थोड़ा गहरे जा रहा हूं, रेडी हो? एंथुजियास्टिकली कन्वर्सेशंस को पहचानोगे ना, उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा, मैं उसको कह रहा हूं रियलिटी चेक देना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू आस्क करेजियसली दिस वन क्वेश्चन टू इट। आई वुड से थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है, इज इट रियल? एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट रियल, आई डोंट वॉन्ट टू इम्प्लीकेट दैट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं झूठ बोल रहे हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं कह रहा हूं, वॉट एवर इज योर कन्वर्सेशन, इज इट रियल? तो सडनली तुम्हें रियलाइज होगा, बे यार इसको तो देखना पड़ेगा। अच्छा, रियालिटी को समझो तो तीन सेक्शंस में रियालिटी दिखेगी। आई एम ब्रेकिंग इट डाउन इवन फर्दर, आर यू इंटरेस्टेड? अब इसको गौर से देखना, रियालिटी को समझो तो लगता है पहला सेक्शन है पर्सनल रियालिटी। अस्तित्व में जो कुछ भी है वो एक हीरे जैसा है, डायमंड जैसा है, अलग अलग एंगल से अलग अलग नजर आता है। हम
हमने जो एंगल देखे वो हमारा पर्सनल रियलिटी हो सकता है, पूरा डायमंड अभी तक देखा नहीं। व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तुम देखो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस बना उससे तुम्हारे कन्वर्सेशंस बने। मैं वंस अगेन, ये एक आधार समझ लो, यहां राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है, ये सही वो गलत ये बात ही नहीं है। आई एम सेइंग लेट अस अंडरस्टैंड दिस होल गेम, उसमें तुम्हारा क्या रोल है जिसको मैं स्वाध्याय कह रहा हूं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ योर ओन माइंड इज क्रिएटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन लाइफ। बजा लो। अच्छा, मैं ये वर्ड कभी कभी यूज करता हूं, बेवकूफ, ये गाली नहीं है, वकूफ माने अंडरस्टैंडिंग। यू अंडरस्टैंड राइट, वकूफ है, बेवकूफ माने वन हु डजंट अंडरस्टैंड, गाली क्या है उसमें। इफ यू लुक एट योर लाइफ, रियली बेवकूफों की तरह हमने अननेसेसरी चीजों को सत्य मान के रखा हुआ है। माय क्वेश्चन नंबर वन टू यू इज, मैं कहता हूं अपनी हेल्थ के बारे में भी तुम्हारा जो कन्वर्सेशन है उससे तुम्हारी रियलिटी है। इस रियलिटी को देखो, तीन सेक्शंस में रियलिटी दिखेगी। सेक्शन नंबर वन पर्सनल रियलिटी, सेक्शन नंबर टू मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों ने उसको माना है, मैंने भी मान लिया है, मैं कहता हूं रियलिटी बाय अग्रीमेंट, अग्री कर लिया है हमने। कई सारी चीजें मैंने अनुभव नहीं की, लेकिन द पीपल हुम आई ट्रस्ट दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई बिलीव इट एंड इट बिकम्स माय रियलिटी। बट अगर रियलिटी चेक लगाओ मेरे कन्वर्सेशंस को, तो लगता है अरे मैंने तो अनुभव ही नहीं किया ये, बट अग्री किया है। वंस अगेन, नो रॉन्ग नो राइट, मैं यहां राइट रॉन्ग का जजमेंट करने नहीं बैठा हूं। आई एम सेइंग यू बी योर ओन मॉनिटर, यू लुक एट योर ओन लाइव्स, तुम्हारा जीवन का एक्सपीरियंस तुम्हारे कन्वर्सेशंस से हो रहा है, उस कन्वर्सेशन को रियलिटी चेक लगाओ, तो पहला सेक्शन लगता है पर्सनल रियलिटी, दूसरा सेक्शन लगता है रियलिटी बाय अग्रीमेंट, एंड देन द थर्ड रियलिटी का सेक्शन मैं कहूंगा उसको, जस्ट फॉर द लैक ऑफ अदर वर्ड्स आई एम सेइंग अल्टीमेट रियलिटी। उसको समझो तो कैसा है, मैंने अनुभव किया कि नहीं किया पता नहीं, अग्रीमेंट किया है या नहीं किया है पता नहीं, जो है वो है। अरे लिसनिंग माय डियर, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर इट इज माय पर्सनल रियलिटी और नॉट, वेदर पीपल हैव अग्रीड ऑन इट और नॉट, व्हाट इज इज, जिसको मैं अल्टीमेट रियलिटी कह रहा हूं। अच्छा, उसको आप देखो, जैसे ब्रह्म ज्ञान माने क्या है, तो ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, अगर कल कोई और बेहतर वर्ड मिलेगा तो हम वो उसको वो नाम देंगे, अभी मुझे लगता है अल्टीमेट रियलिटी। आर यू ओके विद दैट? अच्छा, मैं कह रहा हूं ब्रह्म ज्ञान माने क्या, ये अल्टीमेट रियलिटी धीरे धीरे होते होते तुम्हारी पर्सनल रियलिटी बनती जाए, ये ब्रह्म ज्ञान है। कि ये भी समझ में आ गया, ये भी अनुभव में आ गया, ये भी अनुभव में आ गया, हाईएस्ट एक्सपीरियंसेस अनुभव में आ गए तो पर्सनल रियलिटी बना, वो उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, नाउ जैसे मैं कह रहा हूं अपनी वृत्तियों को समझना ये स्वाध्याय का एक अंग, मैं कह रहा हूं अपने कन्वर्सेशंस को समझना ये स्वाध्याय का दूसरा अंग है।
क्योंकि तुम्हारे कन्वर्सेशंस तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं, और उसमें रियलिटी चेक लगाओगे इज इट रियल, तो तुम्हें लगेगा तीन सेक्शंस हैं उसमें, कभी पर्सनल रियलिटी को रियलिटी मान रहे हैं, कभी जो अग्री कर लिया है तो रियलिटी मान रहे हैं, कभी ब्रह्म ज्ञान अपने जीवन का अंग बना है तो उसको भी रियलिटी का तीसरा सेक्शन कह रहा हूं मैं। आर यू लिसनिंग माय डियर्स? नाउ पहला प्रश्न मेरा यह है, तुमने जिस व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में जो कन्वर्सेशंस रखा उसको पहला प्रश्न मैं कह रहा हूं इज इट रियल, तो सेग्रीगेशन होगा। फिर मैं तुम्हें दूसरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, तुम्हारे जो कन्वर्सेशंस हैं आर दे फॉरवर्डिंग योर लाइफ? तुम्हारे जीवन को उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं क्या? आर दे वर्किंग फॉर यू? आर दे बेनिफिशियल? अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस, आर दे फॉरवर्डिंग योर लाइफ? सडनली ये क्लैरिटी मिलने लगेगा तुम्हें। आर यू लिसनिंग? कुछ कन्वर्सेशंस रियल नहीं हैं ये समझ में आएगा, लेकिन यहां फॉरवर्ड करते हैं जीवन को, आगे ले जाते हैं, मुक्ति इंश्योर करते हैं, बंधन में से फ्री कर देते हैं, ऐसे कन्वर्सेशंस हैं। आर यू लिसनिंग माय डियर? जैसे एक डिवोटी ये कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांगली रखता है अपने मन में कि वो देख रहे हैं सब कुछ, वो सब संभाल लेंगे, रियल है कि नहीं पता नहीं बट फॉरवर्ड करने वाला जरूर है। आर यू लिसनिंग माय डियर? अच्छा, मैं कहीं भी अगर तुम्हें लगे इफ आई एम इंस्टिगेटिंग योर इंक्वायरी इन टू ए पर्टिकुलर डिरेक्शन, प्लीज बी श्योर दैट इज नॉट माई पर्पज। आई वॉन्ट यू टू इंक्वायर अबाउट योर ओन लाइफ। तुम अपना स्वाध्याय खुद करो, मैं सिर्फ एक डेटा दे रहा हूं तुम्हें, एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो तुम्हें तुम्हारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में काम आना चाहिए। आर यू लिसनिंग? क्वेश्चन नंबर वन, इज इट रियल? क्वेश्चन नंबर टू, इज इट फॉरवर्डिंग योर लाइफ? इज इट वर्किंग फॉर यू? क्वेश्चन नंबर थ्री, पहला और दूसरा किया हो तो फिर तीसरा प्रश्न है, इफ समथिंग यू फाइंड विच इज नॉट रियल नॉर इट इज फॉरवर्डिंग योर लाइफ, आर यू फ्री इनफ, करेजियस इनफ टू ड्रॉप दैट कन्वर्सेशन? मैं ये कह रहा हूं इस कॉन्शियसनेस के खेल में, आर यू रेडी टू प्ले दिस करेजियस गेम? मैं उसको खेल ही कह रहा हूं, कोई सीरियस बात नहीं है, कोई ऊपर बैठ के तुम्हें जज करने वाला नहीं है कि अरे इतना फ्री हो गए हो तुम। If you have an idea in your mind of a punishing God, you are missing the whole point, my dear. Are you listening? कोई ऊपर बैठ के डंडा लेके नहीं रहा देख रहा कि तुम गलती करो तो पड़ेगा तुम्हें। That's why I'm asking you the third question. Are you free enough? Are you courageous enough to drop the conversations that might not be true? Real, that might not be forwarding your life. मैं तो कहता हूं थोड़ा सा और रिस्क लेके कि कितना भी रियल लगे अगर तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक कन्वर्सेशन है तो उसको ड्रॉप ही कर देना चाहिए। प्लीज मार्क माई क्वेश्चंस
आर यू फ्री इनफ एंड करेजियस इनफ टू ड्रॉप इट? वॉट इज इट दैट विल नॉट अलाउ यू टू ड्रॉप दीज हार्मफुल कन्वर्सेशंस? वंस अगेन यू विल कम बैक टू योर ओन ईगो. सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारे मूर्ख ईगो तुम्हारे ही जीवन का कबाड़ा करते रहेंगे, क्योंकि ईगो को गड़बड़े छोड़ के, वो बंधन छोड़ के फ्री होने में रस ही नहीं है. ईगो को तो ब्लेम करने में रस है. किसी को रॉन्ग करके खुद राइट होने में रस है उसको. और ऐसे इस मूर्ख ईगो का, बेवकूफ ईगो का अगर तुम शिकार हो, गॉड सेव यू. आर यू लिस्निंग? तुम ही तुम्हारे दोस्त, तुम ही तुम्हारे दुश्मन भी. और ये आज से शुरू होने वाला नहीं है कि ऋषि जी ने अभी बताया अब मैं मेरा दोस्त बनना शुरू हो जाऊंगा. यू आर ऑलरेडी, समटाइम्स यू आर योर फ्रेंड, समटाइम्स यू आर योर ओन एनिमी. तुम्हें अगर दोस्त या दुश्मन कहीं बाहर नजर आ रहा है, आई गारंटी यू स्वाध्याय चूक गए हो. सुन रहे हो क्या? वंस अगेन, स्वाध्याय के तीन सेक्शंस कह रहा हूं. नंबर वन, अपनी टेंडेंसीज पहचानना सीखो. बट बी वेरी श्योर, बकरियों का काम नहीं है ये. तुम्हारी दुर्बलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होंगी इसमें. अपनी वृत्तियां देखने लगे ना सर, सबसे बड़ा नुकसान क्या है उसमें पता है? उंगली बाहर निकाल ही नहीं सकोगे. किसी और को जिम्मेदार प्रूव कर ही नहीं सकोगे. तुम्हारे दुखों की, तुम्हारे सुखों की, तुम्हारे चॉइसेस की, तुम्हारे जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी सर. बकरियां उसके लिए रेडी नहीं होती. आर यू लिसनिंग? तुम में वो नैतिक दम हो ना तो ही लेना ये खेल हाथ में. सुन रहे हो? स्वाध्याय का खेल हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर इनफ? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर वो स्वाध्याय का सेक्शन नंबर वन, अपनी टेंडेंसीज पहचानना सीखो. सेक्शन नंबर टू, अपने कन्वर्सेशंस देखो. मैं तो कहता हूं थोड़े समय के लिए, स्वाध्याय के लिए समय निकाल के बैठो अपने आप के साथ, नोटबुक पेन लेके बैठो. एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक तुम्हारे जीवन के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस, नौकरी, स्पिरिचुअलिटी, गुरुजी, मनी, व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, हेल्थ, लुक एट योर कन्वर्सेशंस. आई एम सेइंग राइट देम डाउन. हर पन्ने पर सभी कन्वर्सेशंस लिखो. थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज, लाइक्स, डिसलाइक्स, राइट, रॉन्ग, जो जजमेंट्स बने हुए होंगे, कुछ डिसीजंस लिए हुए होंगे पास के एक्सपीरियंसेस के आधार पर, वो सब लिखो. तुमने क्या क्या बनाया है अपना खेल उस सब्जेक्ट के बारे में. You be aware and clear about your own conversations. और फिर उसको ये तीन प्रश्न पूछना, is it real? तो suddenly वो तीन sections में बटेगा reality. Personal reality, reality by agreement, या ultimate reality. फिर दूसरा प्रश्न है मेरा, is it forwarding your life? तुम्हारे जीवन के लिए beneficial conversations हैं क्या? उसको भी तुम्हें सेग्रीगेट करना पड़ेगा. एंड देन द थर्ड क्वेश्चन, आर यू फ्री इनफ टू ड्रॉप ऑल दिस इफ इट इज नॉट फॉरवर्डिंग योर लाइफ? बी वेरी श्योर. आर यू लिसनिंग? जैसे ही
ऐसे ही पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर बने हुए कन्वर्सेशंस तुम छोड़ते हो, उसी सब्जेक्ट में नए कन्वर्सेशंस जनरेट होने के लिए तुम्हारा मन खुल जाता है सडनली. मैं कहता हूं पास्ट की कन्वर्सेशंस छोड़ने के बाद तुम ये भी खेल करके देखना कि तुम जो चाहते हो वो कन्वर्सेशंस जनरेट करो, तुम्हें वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति वैसी लगने लगेगी. प्लीज लुक एट योर पावर, यू हैव नो आइडिया. योग वशिष्ठ का सार, वो अलग अलग चीजें सत्य खोले हैं योग वशिष्ठ में, उसमें एक फैंटास्टिक पटारा खोला हुआ है योग वशिष्ठ में. कह रहे हैं हर जीव अपनी अपनी सृष्टि खुद बना रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हियर. सुन रहे हो क्या? और अपनी ही बनाई हुई सृष्टि का खुद ही अनुभव कर रहा है. A soul is experiencing what it itself has projected out of itself. ये ज्यादा हो गया. Suddenly कुछ लोग ऐसे हैं, really? I have created my own husband. Yes, my dear. Your experience of him guaranteed your own consciousness has created it. Because the same person in somebody else's consciousness is experienced very, very differently. And they have created their own srishti. अच्छा मैं सच्ची बताता हूं तुम्हें, तुम्हारे मन में, सुन रहे हो, ज्ञान चर्चा के आधार पर जीवन के गहरे सत्य जब हम खोलते हैं, ज्ञान चर्चा कहते हैं उसको, उसके आधार पर तुम्हारे मन में अगर सही निश्चय जग गए तो 90% काम हो गया. सुन रहे हो? ज्ञान चर्चा मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ में द बिगेस्ट इंग्रेडिएंट इज क्रिएटिंग विल. विल जगा तो वेज अपने आप ही मिल जाते हैं. यू हैव नो आइडिया. जैसे ही तुम डिसाइड करते हो कोई चीज, यू नो व्हाट इज टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, एज सून एज फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस यू डिसाइड टू डू समथिंग, सडनली इतने सारे ऑप्शंस में जो तथास्तु हो रहा था उसमें से एक ही ऑप्शन में तथास्तु होके वो घटना घटने लगती है तुम्हारे जीवन में. Are you understanding? इतने सारे options available थे, तब उन सभी options में वो कृपा की वर्षा हो रही थी, तथास्तु, so be it. Suddenly उसमें से तुम एक decision लेते हो, I will do this, तो उसमें तथास्तु होता है, तो वो घटना घटने लगती है. I really hope you understand this technology. इस चीज को गुरुजी और सिंप्लीफाई करके कह देते हैं एक ही वाक्य में, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट विशिंग करेक्टली. स
सही दिशा में, करेक्ट दिशा में, बेनोवेलेंट दिशा में, तुम्हारे जीवन के कल्याण करने की दिशा में अगर तुम्हारे निश्चय हैं तो काम बन गया। ज्ञान चर्चा वेज के बारे में नहीं होती, विल के बारे में ही होती है। सुन रहे हो मेरी बात? ज्ञान शक्ति से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति। अच्छा, जब चॉइस करने का टाइम आए फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस, आर यू लिस्निंग? चॉइस करने का टाइम आए, ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या कुछ और करूं, ये चॉइसेस है, राइट? जब चॉइस करने का टाइम आए तो इंटेलिजेंट लोग जो अवेलेबल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, उसमें से वैल्यू देख के ऑप्शंस में से चॉइस करते हैं, चूज करते हैं। कम बुद्धि वाले लोग कन्वीनियंस एंड कंफर्ट के आधार पर चॉइसेस करते हैं। फिर से एक बार, अवेलेबल ऑप्शंस में से बुद्धिमान लोग वैल्यू देख के चॉइस करते हैं, कम बुद्धि वाले लोग कन्वीनियंसेस एंड कंफर्ट्स को देख के चॉइस करते हैं, अनरियल कन्वर्सेशंस के आधार पर चॉइस कर लेते हैं। लेकिन बेसिक फैक्ट रिमेन्स द सेम, योर चॉइसेस विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। इट इज ऑलरेडी डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जैसे ही तुम एक ऑप्शन चूज करते हो, बाकी के सभी ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, करेक्ट? जैसे कहते हैं, होमिसाइड माने किलिंग ह्यूमन बीइंग्स, पेस्टिसाइड माने किलिंग पेस्ट, डिसाइड माने किलिंग ऑप्शंस। As soon as you have decided to do something, you drop all other options and you create that for your own life. You are already doing it, my dears. Are you listening? Yes. Simple examples. As soon as it was a time for you to decide what cloth you will wear today, you opened your wardrobe, your bag, whatever, and there were many options available to you. As soon as you decided to wear one, all other options fell away. You decided and then chose and wore that cloth for this amount of time. For this lifetime, as soon as you decided your husband or wife, all other options fell away. पहले क्यों नहीं मिले आप? You know something like that. Are you listening? Yes. You look at your, look at the power of your intelligence, which is deciding for you. Intelligent लोग value देख के choices करते हैं। मंद बुद्धि लोग कन्वीनियंस एंड कंफर्ट्स देखकर चॉइसेस करते हैं। कोई रॉन्ग नहीं है, बेवकूफ जरूर हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई गलत थोड़ी है, लेकिन मराठी में एक वर्ड है, भाबड़े। भाबड़े हैं रियली? पिताजी ने बोला है, करना पड़ेगा, हाँ कर, कर लो। यू डिसाइडेड इट एंड यू आर रीपिंग द फ्रूट ऑफ इट। पिताजी
पिताजी को पूछो वो क्यों कह रहे थे ये, पता नहीं। Are you listening, my dear? Are you listening, my dears? एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, आज रात को ऐसा समझो वो होमवर्क है तुम्हारे लिए। नोटबुक लो नई, हर पन्ने पर अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग तुम्हारे जीवन के इम्पॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसका नाम लिखो, और उसके बारे में जो जो कन्वर्सेशंस हैं सब लिख डालो उसके ऊपर। यू विल रियलाइज दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। यू विल बी फ्लैबरगास्टेड, हाउ डिड आई क्रिएट दिस, ऐसा लगेगा तुम्हें। करके देखना, और फिर उसके बारे में खेल करना। मैं उसको भी बहुत सीरियसली लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खेल करो उसके साथ। कन्वर्सेशंस जो जगे हुए हैं उनको ड्रॉप करके देखो, नए कन्वर्सेशंस जगा के देखो, सी व्हाट हैपेंस।